खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर में आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेचुआ घाट के पास पुल निर्माण, बीएसएफ कैंप और सीतरम में पर्यटन स्थल बनाने से नाराज आदिवासियों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। आदिवासियों का आरोप है कि उनको नक्सल मामले के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दरअसल कोटरी नदी के किनारे 500 से ज्यादा आदिवासी डेरा डाले हुए हैं। अगर वहां पुल बनता है तो आदिवासी घर से बेघर हो जाएंगे, ये आदिवासियों का कहना है। संपूर्ण क्षेत्र के लोग धरना पर बैठे हैं, जो 22 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हैं। वो मुख्य मांग है यहाँ का इस पुलिया को निरस्त किया जाए, जो पुलिया बनना है, बेचाकड़े पुलिया बनना है वो, और चित्रा में जो पर्यटन स्थल बनना है उसको भी निरस्त किया जाए। ये हमारा प्रमुख मांग है। क्यों नहीं चाहते आप लोग इस नदी पर पुल बने? यहाँ पुलिया बना किसको फ़ायदा होगा? बस यहाँ तो पुलिया बनने के बाद खदान को लूटा जाएगा, पहाड़ को निकाला जाएगा। हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के लोगों को शांति चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, इसीलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ की पुलिया बने और यहाँ का जल जंगल जमीन का विनाश हो। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए बीएसएफ कैंप नहीं लगाया जाता है, वो शासन के लाभ के लिए लगाया जाता है, इसलिए हम लोग बीएसएफ कैंप को विरोध करते हैं। क्या कुछ जैसे पहले भी ऐसी बातें आती रहती है कि अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बोला जाए तो बलात्कारी भी कई जगह हमने सुना है, देखा है, इसलिए हमने बीएसएफ कैंप को विरोध करते हैं।